अब ये चली देखो भाई, हमारी तिरंगा वाली पतंग क्या शानदार लग रही है यार आसमान में तिरंगा हमारा। तो अभी इसी चढ़ा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पेज आ गया, ये चला मैं ऊपर से हूँ, वो बाहर निकल रहा, मैंने डबल का पेज बना, डबल का। ओ तेरी, ये कैसे कटा यार, अंदर की दिखा दी है, काट दिया। वो मेरा झोल काटना चाह रहा था लेकिन मैंने उसे अपने झोल से काट दिया है। यहाँ पे जो अभी अभी पतंग काटी थी ना आपके सामने, वो पन्नी वाली, देखो उस बंदे ने लपेट ली और अपने घर ले गया वो लपेट के। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाने काइट और ऑफिशियल। तो भाई मैं ना कुछ नई पतंगें लेकर आ गया हूँ और अभी वो स्टॉक मैं आपको दो तीन दिन में दिखा दूंगा जो जो मैं पतंगें लेकर आऊँ। और 15 अगस्त आ गया तो अभी तक किसी ने भी ना आपको तिरंगा उड़ा के नहीं दिखाई होगी इतनी जल्दी जितनी जल्दी हम उड़ा के आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहली पतंग हम देखो यही तिरंगा वाली उड़ाएंगे। और काफ़ी लोग कहते हैं भाई तिरंगा है आप क्यों उड़ाते, तो भाई ये फुली तिरंगा नहीं है, इसमें देखो जो अशोक चक्र होता है ना वो नहीं है, खाली एक तिरंगा का कलर कॉम्बिनेशन दे रखा है तो इसे हम तिरंगा कह देते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो हम अभी इस पतंग को करते हैं पार और फिर दूसरों की पतंग काट के आपको दिखाते हैं। कंधे ने बांधता हूँ, डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ फिर। अब यहाँ पे देखो कन्नों के हमने गार्ड बांध लिए, तो ये तो देखो आपको बांधनी आती हो कि मेन क्या चीज़ है ना, मेन ये चीज़ है, ये हम कैसे बांधें। तो ये देखो आप अपने हिसाब से बांध सकते हो, हवा हल्की है तो थोड़े छोटे रखो, थोड़े लंबे रखो, हवा तेज़ है तो थोड़े छोटे रखो, तो वो अपने हवा के हिसाब से और अपने हिसाब से बांध सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने कन्ने ने पूरे बांध लिए पतंग में, अब क्या करनी है हमें टेपिंग करनी है, टेपिंग करते हैं और डायरेक्ट आपको पतंग उड़ा के दिखाते हैं। अब मौसम देख सकते हैं आप सामने का, अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, बारिश तो इतनी हो रही ना, सावन का महीना है बारिश ना हो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मज़ा भी आता है जब पतंगबाजी करो, बढ़िया मौसम होता है, बारिश भी हो जाती है बीच में तो पतंगें तोड़नी ओढ़नी पड़ जाती कई बार। तो देखो ये पतंग होती है हमारी पार, ये देखो ये चली, और हवा ना अभी आपको थोड़ी सी हल्की दिख रही होगी लेकिन हवा ऊपर काफ़ी तेज़ है, नीचे आपको लग रहा होगा हवा नहीं है लेकिन ऊपर अच्छी खासी हवा है, और पीछे मेरे और भी काला बादल आ रहा है तो शायद बारिश हो जाए, और बारिश नहीं होगी तो हवा खुल जाएगी और अच्छी, क्योंकि जब भी बादल उठता है ना हवा बहुत बढ़िया खुल के आती है। तो यहाँ पे पतंग हमारी पार होके जा रही है, थोड़ी सी बढ़ाते हैं इसे आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हमारी पतंग झूम झूम के जा रही है, कितनी बढ़िया लग रही है तिरंगा एकदम, पूरे आसमान में अपनी पतंग दिख रही है इस टाइम, पूरा मैंने जूम कर रखा है, काफ़ी लंबी पतंग हमने कर ली है तो इतना मांझा काफ़ी होगा मुझे लग रहा है, ऐसे आपको कम लग रहा होगा मांझा लेकिन मैंने जूम कर रखा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अभी सद्यदी गेट बांधते हैं और एक बंदर लाने आ गया हमसे आगे, तो उसके ऊपर फोकस करता हूँ उस पतंग में और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पेज आ गया, ऊपर से जो पतंग देख रहे होंगे तिरंगा वाली हमारी रही, देखो रेड सर्कल के अंदर, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर, ये बंदा हमारे राइट हैंड साइड से ला रहा है, और देखो कितने ज़्यादा नीचे करके यार वो अपनी पतंग ला रहा है। अगर आप किसी से पेज लड़ा रहे हो तो कम से कम दूसरे बंदे को मौका तो दो यार ऊपर से गद्दा मारने का। अब मैं बताऊँ कहाँ गद्दा मारूँ, आगे ज़मीन थोड़ी फाड़ दूंगा गद्दा मार के। तो लोग ये समझते नहीं है, बस उन्हें सोचते बस पतंग कैसे भी काट लें, चाहे चोर पना कर लें कुछ कर लें बस पतंग काट लें, तो ये सही नहीं है, दूसरे बंदे को भी मौका दो। अब वो इतने ज़्यादा नीचे करके ले आया ना कि बस मेरा यहाँ पे एक ही पेज बनेगा वो है डबल का, तो अब क्या करें मजबूरी है, उससे कुछ कह भी नहीं सकते, कोशिश करते हैं डबल का पेज बनाने की। यहाँ पे ये बाहर की खींची मैंने डबल का बनाया। अरे यार अब यहाँ पे पतंग मेरी क्यों कट गई, इसके दो रीज़न है, एक तो उसकी पतंग थोड़ी लंबी निकली हुई थी और दूसरी बात ये मेरी पतंग ना काफ़ी हल्की थी, और जैसे मैंने डबल का पेज बनाया उसकी पतंग थोड़ी भारी होने का ही फ़ायदा मिला, उनने कुंडा डाला और वैसे हमारी पतंग कट के चले गई। हवा आ गई भाई, हवा आ गई, देखो पीछे से एक पतंग कट के आ रही है, जब तक अपनी दूसरी पतंग तैयार कर रहा था ना हवा निकल के आ चुकी है, ये पतंग तो निकल गई यार, इसकी डोर उधर से जा रही है हमारी बराबर छत से काफ़ी दूर है, और पीछे से जो बादल उठा था उसी की हवा निकल के आई। अगर मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कैसा मौसम हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पतंगें तंगे उड़ रही हैं, बादल काफ़ी बढ़िया है, अब उड़ाते हैं पतंग। यहाँ पे हमने अपनी सेकंड पतंग पार कर ली, देख सकते हैं आप रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग रही ऊपर से, नीचे से हमारा सेम अपोनेंट है ब्लू सर्कल के अंदर जिसने अभी हमारी एक पतंग काट रखी है। तो जो पिछली बार हमने गलती करी थी ज़्यादा नीचे भी चले गए थे, पतंग भी हल्की थी, ऐसी गलती नहीं है, आपके पतंग भी हमने थोड़ी मीडियम छोड़ी है और अब क्या कोशिश करेंगे इसे काटने की। वो फिर से हमें नीचे बुला रहा है लेकिन अब क्या हमें ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, थोड़ा इधर को कर देता हूँ कैमरा सेट, ये चला मैं रोक दिया पतंग, उसने बाहर की खींची मैंने अंदर का गिरता मारा काट दिया, तो वो सोच रहा था काफ़ी ज़्यादा वो अंदर आ गया मेरे झोल के, वो बाहर की खींच लेगा, लेकिन थोड़ी हवा भी देखो अब राइट हैंड साइड में जा रही है तो थोड़ा मुझे हवा का भी फ़ायदा मिला, उसकी पतंग देखो कैसे झूमती हुई जा रही है ऊपर। तो पेज हमने ये वाला काट दिया, आगे लड़ाते हैं और दिखाते हैं।
अब जो हवा है ना वो एकदम स्ट्रेट सीधी हो गई है, अच्छी निकल आई है। तो रेड सर्कल की तो मेरी पतंग रही ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट रखा है ब्लू सर्कल के अंदर। उसकी देखो पन्नी वाली पतंग है, ये चला मैं। अबे तेरी, इसकी तो पतंग पूरी अंदर है यार, देखो 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 कैसे आ रही है। अब जिनकी पतंग ज़्यादा ही अंदर होती है इनसे बहुत खतरा होता है लड़ाने में, लेकिन तब भी लड़ाते हैं दिखाते हैं। अंदर रुक दिया, डोर नहीं मिली है, रोकी फिर मारा गद्दा, काट दिया। वो क्या कर रहा था, थपथपा रहा था, उसे लगा मैं फिर से अंदर का रुक दूंगा, लेकिन अब क्या सीधा गद्दा मार के पतंग काट दिए। तो अंदर की पतंग थी फिलहाल हमने काट दी, यहाँ पे देखो उसकी पतंग वो जा रही है कट के। तो आगे और भी पतंग है, उनसे भी लड़ाते हैं। तो सामने अगर आपको दिखा दूँ ना, पतंगबाजी और भी ज़्यादा शुरू हो गई। जैसे शाम होती जाती है, हवा भी निकल जाती है, तो काफ़ी लोग अपनी अपनी छतों में आ जाते हैं। आगे से देखो एक और पतंग पार हो रही है, इधर मैं दिखाऊँ तो इधर भी पतंग पतंग उड़ रही है, काफ़ी दूर दूर पर पतंग है। और हमारी पतंग देखो वो रही, जूम करा मैंने आपको, ये रहा मेरे हाथ में डोर, काफ़ी नीचे जा रही है, कहीं कोई काट ना दे। ऊपर करते हैं भाई से, वरना आगे पतंग पार हुई ना वो समेट देगा हमारी पतंग। तो चलो फिर आपको लड़ा के दिखाते हैं, डायरेक्ट पतंग पतंग उड़ नहीं दिखाते हैं आपको। अब देखो जो सामने से पतंग पार हुई थी ना, वही बंदा हमसे लड़ाने आ गया। सामने आपको वो बंदा भी दिख रहा होगा, एकदम मेरे घर के आगे ही खड़ा है। तो इससे बहुत ज़्यादा कैची का पेच पड़ेगा, तो मज़ा आएगा इससे लड़ाने में। रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग ली ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर, और ये बंदा एकदम सामने से उड़ा रहा है हमारे। तो देखते हैं कैसा पेच बनता है कैसा नहीं बनता है। मेरी पतंग काफ़ी ज़्यादा झोल है, मैंने कंधे छोटे बांधे, ये रखा मैंने, रख दिया यहाँ पे, रखा है उसे बाहर के फिर से अंदर का रुक दिखाया, काटा एक और पेच। देखो मेरी पतंग काफ़ी ज़्यादा झोल था, तो डोर जल्दी मिल गई उसे, इतना उसे लगा कि अभी डोर नहीं मिलेगी, हल्के हल्के खींच रहा था, लेकिन डोर मिल चुकी थी। मेरी पतंग के कन्ने काफ़ी छोटे थे, यहाँ पे देखो उस बंदे की पतंग काटी है, सामने दिख रहा होगा आपको। तो एक और पतंग काट दी इससे, और कितनी पतंग हो गई, आई थिंक 3-4। सामने रेड साइड की मेरी पतंग है, नीचे से एक और पन्नी वाला आ रखा है, इसे तो मैं ऐसे ही ले जाऊंगा, मौका ही नहीं दूंगा इसे देखना भी। ये ले गया गद्दा ही मार दिया, सीधा स्ट्रेट गद्दा मारा, और वो कुछ कर ही नहीं पाया यार। देखो जब तक वो बेचारा कुछ करता, उसकी पतंग इतनी सुस्त थी, जब तक वो कुछ करता ना, तो हमने काट दी। और देखो एक बंदा उसे लपेटने वाला भी आ गया है, पिंक कलर की पतंग देख रहे होंगे, वो लपेट के ले जा रहा है, अभी आ गई उसके पास। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी बंदे ने लपेटी, देखो कितनी दूर से ये लपेट के लाया, और सिर्फ इसने एक ही बार पतंग घुमाई और इसके उसमें एक ही बार में पतंग आ गई। ये देखो आप, वो ले गया देखो। तो आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं यहाँ के बच्चे पतंग लपेटने में मेरी तरफ के। देखो एक ही बार में पूरी पतंग ले गया वो। यहाँ पे काफ़ी लंबी कर ली हमने पतंग, रेड सर्कल के अंदर आपको दिख रहा होगा मेरी रही, नीचे से ऊपर से अपोनेंट आ रहा ब्लू सर्कल के अंदर। ये बंदा फिर से राइट हैंड साइड में से उड़ा रहा है एक और, उसकी पतंग चक्कर काफ़ी तेज ले रही है। ये बड़ा मैं अंदर जगह नहीं मिल पा रही उसे, देखो अब बनाई उसने जगह, अब चढ़ते हुए आ गया काफी ज्यादा ऊपर हमारे। ये पतंग मैं खड़ी करके जा रहा हूँ, जब कोई ज्यादा चढ़ के आया ना तो आप पतंग जल्दी से खड़ी कर लो, तो वो भी घबरा जाएगा, वो रुक जाएगा वहीं पर ही। ज्यादा खड़ी कर ली मैंने, खेल दी स्ट्रेट ही, और देखो काट दिया। इतने ज्यादा वो चढ़ के आ गया तो उसे मौका ही नहीं मिला कोई बनाने का। तो अगर आपके साथ भी ज्यादा कोई चढ़ के आ रहा ऊपर, तो पतंग जल्दी से खड़ी करके खींच दो। एक और पेज रेड सर्कल के अंदर मेरी पतंग ली ऊपर से, नीचे से हमारा अपोनेंट आ रहा है ब्लू सर्कल के अंदर। आगे देखो एक और पतंग है, वो बंदा सोच रहा है मैं डाल दूं, बनाई फिर रुका डबल का। अरे यार आज डबल का जितने ही पेज बनाया ना दोनों कटे, याला भी कट गया डबल का पेज हमारा आज फिर से। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, और आप लोग कह रहे हो ना ग्राउंड कार्ड फाइटिंग की वीडियो लाओ, तो देखो कल जो वीडियो आएगी वो ग्राउंड कार्ड फाइटिंग के ऊपर ही आएगी, और उसके बाद मुझे कमेंट कर देना आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, उसके ऊपर मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। तो लाइक वाइक कर दो भाई, देखो तिरंगा सबसे पहले हमने उड़ा के दिखाई आपको, तो लाइक वाइक कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।